ओके, देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव इज़ मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी समझते हैं कि किसी भी हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं, एक तो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स हैं और एक है सक्सिनाइल कोलिन, विच इज़ अ डीप पोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो सक्सिनाइल कोलिन और इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स के रिस्पॉन्स में या वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स के रिस्पॉन्स में बॉडी में एक रिएक्शन होता है या बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। सो समटाइम्स हम देखते हैं कि हम पेशेंट्स को इनहेलेशनल रूट से एनेस्थीसिया दे रहे हैं या हमने उनको एज फॉर मसल रिलैक्सेशन सक्सिनाइल कोलिन दिया है, और उसके रिस्पॉन्स में देर हैविंग मैलिग्नेंट फीवर, अ वेरी हाई ग्रेड फीवर, देर हैविंग मसल रिजिडिटी, देर हैविंग टैकीकार्डिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेब्डोमायोलिसिस, तो इस तरह के हमें सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो वो है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। और ये कुछ इंडिविजुअल्स में एक स्केलेटल मसल्स का डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इसमें होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखे जाए मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की, दैट दिस इज़ अ फार्माकोजेनेटिक हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ स्केलेटल मसल्स। और वो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होती क्यों उनकी, वो हम आगे देखते हैं इसकी पैथोलॉजी में। और इट इज़ अ फार्माकोजेनेटिक हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की डिजीज़ है इंड्यूस्ड इन ऑल ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स बाय इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स और एंड सक्सिनाइल कोलिन। तो जो ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म, जो ससेप्टेबल ह्यूमंस हैं, लोग हैं, बस उन्हीं में ही होगा, सब में नहीं होता। मैनी पीपल आर गेटिंग इनहेलेशन एनेस्थीसिया, मैनी पीपल आर गेटिंग सक्सिनाइल कोलिन, बट दे आर नॉट हैविंग मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो ये उन्हीं ससेप्टेबल इंडिविजुअल में होगा जिनमें एबनॉर्मल या डिफेक्टिव रायनोडिन रिसेप्टर है। ना वट इज़ रायनोडिन रिसेप्टर, हमें पता है दैट विद इन द सेल वी हैव सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ स्टोरिंग द कैल्शियम आयंस। और वेन एवर द रायनोडिन रिसेप्टर ऑन द सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्टिवेटेड, कैल्शियम आयंस गेट सिक्रेटेड विद इन द साइटोप्लाज्म। अब अगर ये रायनोडिन रिसेप्टर एबनॉर्मल होगा तो इट विल गेट हाइपर एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू सक्सिनाइल कोलिन एंड इन रिस्पॉन्स टू इनहेल एनेस्थेटिक्स। और जब ये हाइपर एक्टिवेट होगा तो देर विल बी एन इंक्रीज कैल्शियम आयंस विद इन द इंट्रोसेलुलर फ्लूड, ठीक है। और उसके नतीजे में जब कैल्शियम आयन ज़्यादा होंगे साइटोप्लाज्म में तो एक्सेसिव एटीपी ब्रेकडाउन करवाएंगे। एक्सेसिव एटीपी ब्रेकडाउन की वजह से लैक्टेट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी क्योंकि वो एनारोबिक पाथवे में चला जाएगा सेल, एंड देन सीओडी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। और इसकी वजह से अभी सब कुछ कहाँ पर हो रहा है, स्केलेटल मसल्स में हो रहा है। तो जब लैक्टेट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, सीओडी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो मायोनेक्रोसिस शुरू हो जाएगी, रेप्टोमायोलिसिस शुरू हो जाएगी। इसके अगर इफेक्ट हार्ट पर देखें तो एरिथमियाज भी होना शुरू हो जाएंगी और रीनल फेलियर तक हो सकता है। इसीलिए हमें इसके सिम्टम्स में मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी मिलते हैं और हाइपरकलेमिया भी मिलता है, जो हमारे पास किडनी फेलियर के सिम्टम्स हैं, ठीक है। और हार्ट की वजह से टैकिपनिया मिलेगा, और ओवरऑल सिंस हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है तो हाई ग्रेड फीवर भी मिलेगा, इसको हम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इसको कहते हैं, ठीक है। तो और मसल्स में हो रहा तो मसल रिजिडिटी भी मिलेगी। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया से रिलेटेड, और डेफिनेशन ये कि इट्स अ फार्माकोजेनेटिक हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ स्केलेटल मसल्स। फार्माकोजेनेटिक हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ स्केलेटल मसल्स इंड्यूस्ड इन ऑल सेप्टेबल इंडिविजुअल्स बाय इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स एंड और सक्सिनाइल कोलिन। तो ये बात हमें पता चली कि ये आईवी एनेस्थेटिक्स से नहीं होगा, ये बस इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स से होगा, ठीक है। और जेनेटिक डिसऑर्डर स्केलेटल मसल्स का, और साइंस सिम्टम्स को याद कर लेते हैं, मसल रिजिडिटी होगी, हाइपरथर्मिया होगा, टैकीपनिया, टैकीकार्डिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकलेमिया, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट साइंस सिम्टम्स हैं, और बस यही है। और जेनेटिक और उन इंडिविजुअल्स में होता है जिनमें जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, कैल्शियम चैनल डिफेक्ट होता है, और कैल्शियम चैनल कौन सा, जो कि रायनोडिन रिसेप्टर है, RYR1, ठीक है, RYR1 रिसेप्टर, रायनोडिन रिसेप्टर होता है, विच इज़ अ कैल्शियम चैनल और उसका रिसेप्टर भी है। और इसका अगर ट्रीटमेंट देखा जाए, इसकी मैनेजमेंट देखी जाए मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की, तो कैसे करते हैं, तो देर इज अ ड्रग कॉल्ड डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन ड्रग इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। और इसमें उसका एक्शन क्या होता है कि ये इंक्रीज करता है री अपटेक ऑफ कैल्शियम इन द सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट डिक्रीजेज और इनहिबिट्स इट्स रिलीज फ्रॉम द सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कैल्शियम का वापस इन्फ्लक्स कराने लग जाता है विद इन द सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके रिलीज को इनहिबिट करता है या डिक्रीज करता है डेंट्रोलिन। तो ये हम ड्रग देते हैं इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। और एक तो हमें ये ड्रग दे लेनी है डेंट्रोलिन, और बाकी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है कि वी शुड टेक मेजर्स टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हुआ होता है, और एंड वी शुड ट्राई टू रिस्टोर द इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट मतलब हाइपरकलेमिया, तो हमने उसको ठीक करना है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमने उसको ठीक करना है, फिर टैकीपनिया भी हो रहा है उस पेशेंट में, टैकीकार्डिया भी हो रहा है, तो हमें उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो डेंट्रोलिन ड्रग हो चुका है, तो बस हमें सपोर्टिव मेजर्स भी लेनी है, और इसका मैकेनिज्म भी देख लेना डेंट्रोलिन का, और हमने
इनमें कैल्शियम चैनल का डिफेक्ट होता है इंडिविजुअल्स में, ये भी देख लिया। और जब एक्सेसिव इंट्रासेलुलर कैल्शियम होगा तो एक्सेसिव एटीपी ब्रेक डाउन होगी और उसके से लैक्टेट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, CO2 का लेवल ज़्यादा होगा, मायोनेक्रोसिस और रैबडोमायोलिसिस होगी। ठीक है, तो इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स, एक्सेसिव एटीपी ब्रेक डाउन, लैक्टेट प्रोडक्शन, CO2 प्रोडक्शन, जिसके नतीजे मायोनेक्रोसिस हुआ, रैबडोमायोलिसिस हुआ, एरिथमियाज हार्ट के लेवल पे और रीनल फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, मायोनेक्रोसिस, रेप्टोमायोलिसिस, एरिथमियाज एंड रीनल फेलियर। तो बस यही इंपॉर्टेंट बात थी मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की, और किस वजह से हो रहा है और किन ड्रग्स की वजह से हो रहा है, इसका इसकी मैनेजमेंट क्या है, तो ये बातें बस बतानी चाहिए। और या दैट इज़ प्रिटी मच इट।